नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी तट के विकास के लिए राज्य के मंत्री और स्थानीय कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने समाज सेवियों के साथ नदी तट का अवलोकन किया। नदी के किनारे समतलीकरण, वृक्षारोपण, सौंदर्यकरण, आरती, घाट की सफाई इत्यादि की योजना पर चर्चा की गई। साथ ही गंगा की तर्ज पर स्वर्णरेखा आरती मंडप के निर्माण, प्रतिदिन संध्या आरती की शुरुआत एवं स्वर्णरेखा पर्यटन का विकास पर चर्चा हुई, जो मंत्री बन्ना गुप्ता की दूरदर्शी परिकल्पना है। सोनारी दुमुहानी को विकसित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जेसीबी की मदद से काम शुरू कर दिया है। जमशेदपुर के डीसी विजया जाधव समेत अन्य तमाम पदाधिकारी भी वहाँ पहुँचे और काम को और तेज करने को कहा। इस दौरान खुद मंत्री बन्ना गुप्ता मेहनत करते नजर आए। वे खुद पूरे स्थल के विकास को लेकर काफी मेहनत करते नजर आए। इसके बाद नदी तट के विकास को लेकर भी कई तरह के नए कार्य की शुरुआत कराई जाएगी। गंगा की तरह निर्मल करते हुए इसमें आरती की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस कड़ी में यह काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने समाज से मदद भी लिया है। शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने मारवाड़ी समाज के कई समाज सेवियों से इन मुद्दों पर वार्ता की। इस समूह का नेतृत्व कांग्रेस नेता अशोक चौधरी कर रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत लोक आस्था का एक जगह है, धार्मिक जगह है। ये दो नदियों का मुहाना है और ये बड़ा पवित्र माना जाता है और हमारा जीवन भी जो है जल, जंगल, जमीन पर आधारित है। और ये जमशेदपुर की लाइफलाइन है। हमारा महापर्व छठ होता है। छठ में लोग जब छठ पर्व होता है तब लोग तैयारी वगैरह करते हैं। हम लोग एक ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं कि आराम से लोगों को छठ में बैठने वाले जितने भी हमारे छठ मानने वाले, पर्व मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक बेहतर व्यवस्था देंगे। हमारी बहनें आती हैं, चेंजिंग रूम नहीं होता है, बाथरूम नहीं होता है, तो यहाँ चेंजिंग रूम, बाथरूम वगैरह सारा चीज़ देंगे। और जैसे देखिए, अभी भी लोग जा रहे हैं, घर का पूजन का सामान लेकर नदी में डालने जाते हैं, तो हम लोग उसके लिए भी एक अलग से एक व्यवस्था कुंड बनाएंगे जिसमें लोग उसमें डालेंगे और जिससे हमारी नदियां प्रदूषित नहीं होंगी। इसी के साथ साथ यहां आरती जो है, हम रोज़ जैसे ही बन जाएगा तो ये शाम को रोज़ यहाँ आरती की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। दीप दीपावली वगैरह हैं, वो पर्व हैं। तो ये जब लोक आस्था के साथ ये जगह ना सिर्फ मंगलमय है, बल्कि मैं समझता हूँ मंगलमय भी है, मनोरम भी है, रमणीक भी है और धार्मिक भी है और पर्यावरण के लिए भी है। तो इसी को बीच में हम लोग लोगों के लिए पेड़ पौधा लगा देंगे, बैठने की जगह बना देंगे। तो ये लोग इस आस्था से जब जुड़ेंगे तो हमारी नदियों में शुद्धता आएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।